वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियो करी फैशन गुरु। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये मेरे साथ में कौन नया चेहरा बैठा है। आज मेरे साथ में है बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट ब्लश मेकअप बाय तनु। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिनके ये बहुत अच्छे से आंसर देंगी और साथ में ये भी बताने वाली हैं ये कि ये अपनी ब्यूटी पार्लर में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं और मेकअप में इनके पास कौन कौन से मेकअप ज्यादा आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो मिस तनु जी मैम, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने पार्लर के बारे में बताइए कि कब से स्टार्ट किया है आपने और आपकी जर्नी अभी तक की क्या रही है, प्लीज बताइए। देखिए, अगर हम अपने पार्लर की बात करें तो मेरे पार्लर को इस समय 3.5 साल से ऊपर हो रहा है। ओके। और अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें तो यहाँ जो भी जितने भी लोग हैं मुझे जो जानते हैं वो 3.5 साल से अगर एक बार मेरे पास आए हैं तो वो यहीं आते हैं। ओके। वो कहीं और नहीं जाते। इवन अगर वो कहीं दूर शिफ्ट हो जाते हैं, उनका घर चेंज हो जाता है, तो भी वो वहाँ से मेरे पास ही आना पसंद करते हैं। ओके। तो मैंने पार्लर एक्चुअल में खोला था इसलिए कि मैंने प्राइवेट जॉब बहुत की और प्राइवेट जॉब में मैंने ये देखा कि आप काम तो ज़्यादा करते हो, काम आपसे इंसान उम्मीद भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, लेकिन जब आती है सैलरी इंक्रीज की बात तो आपकी सैलरी नहीं इंक्रीज करना चाहते। मेरे जो बॉस थे इससे पहले, पार्लर से पहले मैं जहाँ जॉब करती थी, अच्छा अच्छा जी, तो वो जो मुझसे काम तो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करते थे, हर काम का बर्डन वो मेरे ऊपर ही थोपना चाहते थे, लेकिन जब सैलरी इंक्रीज की बात आई तो साल भर में उन्होंने मेरी 300 रुपीज सैलरी इंक्रीज की। ओह माय गॉड, ओनली 300। हाँ, ओनली 300। तो मतलब हम भी शॉक्ड हो गए कि व्हाट इज दिस 300 पूरे साल में। फिर मैंने उनसे बोला कि सर मैं अब आप क्या कर नहीं पाऊंगी। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि 300 से कम सही, पर तुम्हारे यहाँ 300 नहीं। हाँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैंने प्राइवेट जॉब की थी। okay. और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने उधार लिया घर वालों से, यार दोस्तों से, सबसे। अच्छा। मैंने उधार लिया। हाँ। तो बहुत बड़ा नहीं कह सकते लेकिन छोटा मोटा पार्लर जो 4-4.5 लाख रुपए लगाकर खोला जा सकता था तो मैंने खोला। आज का सिचुएशन ये है कि ब्राइडल मेकअप्स के लिए करें या फिर पार्टी मेकअप्स के लिए करें या फिर आप कोई भी पार्लर से रिलेटेड सर्विसेज की बात करते हैं तो सभी लोग मेरे पास आते हैं और आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो 3 साल पुराने हो चाहे 3.5 साल पुराने हो। मतलब परमानेंट आपके कस्टमर, परमानेंट मेरे कस्टमर बने हुए हैं, जिस वजह से शायद मैं यहाँ अंदर गली के अंदर होकर भी आज मैं सर्वाइव कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, है ब्लश मेकअप बाय तनु के नाम से फेसबुक पे मैंने अपना पेज बना रखा है, तो उसपे मैं अपनी हेयर स्टाइल्स या फिर मेकअप्स हो गए या फिर सर्विस हो गई तो मैं वो सारी डालती हूँ। तो बहने और मॉम ने बहुत सपोर्ट किया, सारी सिस्टर्स ने, तो उन्होंने मुझे, उन्होंने भी पैसे दिए और जब बीच में मुझे प्रॉब्लम आई कि मुझे लगा यार मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम टेंशन क्यों लेती हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुमने कहीं बाहर से थोड़ी नहीं पैसे लिए हैं, जो है सो हम लोग हैं, हम लोग करेंगे। तो बहुत सपोर्ट रहा फैमिली का भी। हाँ, और जिस जगह मैंने खोला उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। उन लोगों का ही बहुत सपोर्ट रहा, उन लोगों ने मेरा पूरा भरपूर साथ दिया। जो पार्लर है उसमें आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं? मैंने जो पार्लर खोला है जिस हिसाब से, वहाँ मैं सारी ही सर्विस प्रोवाइड कराती हूँ। आपकी फेशियल हो गया, आपका क्लीन अप हो गया, आपका वैक्स हो गया जी, तो आपका स्पा हो गया। अच्छा, अच्छा। आपका पेडिक्योर, मैनिक्योर आपका, और मैं हेयर स्ट्रेटनिंग भी करती हूँ, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग या टेम्परेरी हेयर स्ट्रेटनिंग, तो सभी तरह की सर्विसेज मैं प्रोवाइड कराती हूँ। आपका डिटैन हो गया, ब्लीच हो गया, एवरीथिंग, मैं सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा के देती हूँ। इसमें कोई ट्रीटमेंट भी देती है जैसे? देती हूँ, एक्चुअली मेरे पास जो क्लीन अप और फेशियल है वो आयुर्वेदिक भी है। अच्छा। हाँ, जिसमें मैं आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ और मैं अपने खुद के ही बनाती हूँ घर पर। उनका आपको एक 5 मंथ या 6 मंथ या 7 मंथ उनका एक टाइम होता है, जैसे फेस पे दाने हैं या आपके फेस पे दाग धब्बे ज्यादा हैं तो उस पे मैं कवर करती हूँ। कस्टमर जो है उस चीज को पूरा टाइम दे। ओके, ये हमारा पूरी तरह वर्क करता है। ज्वेलरी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास कुछ ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह भी हैं जो मैं रेंट पे प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये देख सकती हैं आप, ये हमारा एक ये है जो आपके गले में काफी चिपका हुआ सा ऐसे करके आता है ये, और
इसके बाद में ब्राइडल में थोड़ा हैवी चलता है, तो ये हमारा उसके नीचे लगाने के लिए हो जाता है कि ये आपका थोड़ा और लॉन्ग आ जाता है। ये देखिए दिस टाइप ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है मैम। और जो एक ब्राइड इसको पहनती होगी तो वो तो और चार चांद लग जाते होंगे उसमें। जी मैम बिल्कुल। और ये देखिए हमारे पास ये इयररिंग है। हाँ अच्छा, ये लॉन्ग में इयररिंग्स है। हाँ जी मैम, लॉन्ग में इयररिंग्स है। ये नथ है। ओके ओके। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और ये एक्चुअली मुस्लिम्स भी है जो मेकअप कराते हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास है, वो जो यहाँ पर पैसे करके लगता है। सो ब्यूटीफुल, काफी ब्यूटीफुल दिखता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रहा है ये। उनके पर्पस से भी है। और ये रहा हमारा हाथ में पहनने वाला जो काफी हैवी है ये भी, तो ये देखिए इस तरह से आता है ऐसे करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरा हैंड को कवर कर लेगा। जी, पूरा हैंड को ये कवर कर लेगा। ये देखिए, और ये काफी ही ब्यूटी। आई एक्चुअल में ये हमारी प्योर कुंदन की ज्वेलरी है। हाँ जी हाँ, जो काफी सुंदर लगती है जब आप लाइटिंग में इसको पहनते हो तो काफी इसमें चमक दिखती है। तो ये भी ये है इसी तरह से। अच्छा, ये दो हैं इसके साथ। हाँ, में ये दोनों है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों हैंड्स को कवर करने के लिए आपके पास है। ये इस तरह से लाइक दिस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है ये आपका साइड मुझे। ये हमारे थोड़े व्यूवर्स को बताइए, ये जो इतना ब्यूटीफुल ये जो है, ये क्या है और ये कैसे पहना जाएगा? कर रहे हो? और जी 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 जी, ये हमारे ब्राइडल में जो बहुत ही जरूरी चीज है, ये मांग बेदी है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, मांग टीका ऐसे आता है। जी ये देखिए, और ये ऐसे करके आपका, वाओ, मैं इसको आपके लहंगे के कलर का भी कर सकती हूँ। इसमें जो बड़े नग दिए हुए हैं, yes, yes. तो वो आप जैसे आपका लहंगा जिस कलर का है, मैं उस कलर का कलर करा के आपसे मैचिंग भी करा देती हूँ। हमारे व्यूवर्स का अगर मन हो कि ये व्हाइट में जैसे ना हो और मेरे कलर से मैच करता है ड्रेस के, हाँ. तो उसमें भी आप ये हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। अरे वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग मैं कर दूंगी आपके लहंगे के अकॉर्डिंग। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को ये अपने ड्रेस के मैचिंग का भी कर सकते हैं इसको। और होता है कि किसी किसी की ड्रेस में ये वर्क नहीं होता है गोल्डन वाला, और हम लोग खुद चाहेंगे कि इसमें थोड़ा मैचिंग मिल जाए तो और मजेदार लगेगा ये। तो ये इस पार्लर में ये भी फैसिलिटी है जो मिस तनु हमें प्रोवाइड कराती हैं कि इसमें अपना अदर कलर्स के भी ये मैचिंग करवा देंगी। जी बिल्कुल। अरे व्यूवर्स को प्लीज कुछ ऐसे मैजिकल टिप्स बताइए जो इस समर सीजन में हमारे व्यूवर्स को थोड़े हेल्पफुल रहे। मैम अगर होम रेमेडी की बात करें तो स्किन टैनिंग तो वाकई उनसे कम होती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप वाकई में उस चीज को आप अप्लाई कर रहे हो और कब तक अप्लाई कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो उसको। आपको स्किन को टाइम भी देना पड़ता है। आप गर्मियों के लिए अगर बात करते हैं, टैनिंग के लिए बात करते हैं, तो आपका बेसन हो गया और आपका राइस पाउडर हो गया। ओके, हाँ, तो ये दोनों चीजें हमें घर पे मिल जाती हैं। भी मिल जाती हैं। बेसन तो आपका वैसे ही मिलता है, राइस पाउडर भी आपका आता है। आप दोनों को मिक्स करके उसपे नींबू डाल करके और उसपे दूध मिक्स करके अगर ये आप रेगुलर अप्लाई करते हो और जब उसको वो सूख जाता है तो उसको उसी से आप स्क्रबिंग भी अपनी दे सकते हो। अच्छा, हाँ, बहुत लाइट स्क्रबिंग होती है उससे, बहुत ज्यादा जोर देकर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर रेगुलर आप ये टिप्स अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो आपको स्किन टैनिंग से राहत मिलेगी। अच्छा, आपकी जो स्किन टैनिंग है वो चली जाएगी। लेकिन ये कि आप रोज नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट एक दिन की गैपिंग में, दो दिन की गैपिंग में जरूर करो। ब्राइडल मेहंदी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरे पास ब्राइडल मेहंदी की मेरी कुछ पिक्स हैं, तो हालांकि मैं मैम को दे दूंगी तो मैम आपको शो कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को सबको देखने को मिलेगा कि जो मैम की ब्राइडल मेहंदी की स्पेशलिटीज है वो सारी पिक्स के थ्रू आपको मैं विजिबल कर दूंगी। जी मैम बिल्कुल। और मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं हेयर कटिंग अच्छी करती हूँ तो यहाँ के सभी लोग पसंद करते हैं कि मैं उनकी हेयर कटिंग करूँ, मुझे से कराते हैं। तो मैं मेरे पास हेयर कटिंग की भी अपनी कुछ पिक्स वगैरह हैं, वो भी मैं मैम को ही दे दूंगी। और मैम ही शो कर देंगी। मैम आप मुझे दीजिए और मैं अपने व्यूवर्स को दिखाएं अपने, बिल्कुल जो जिनको भी अगर वो स्टाइल देना है तो वो आपसे जरूर लेंगे, उससे कांटेक्ट करें। बिल्कुल करेंगे। और ब्राइडल मेहंदी की बात करूं तो मैं सिर्फ मात्र 2100 रुपए में आपकी ब्राइडल मेहंदी लगाती हूं, जिसमें आपका हाथ और पैर दोनों इंक्लूड रहता है। अच्छा अच्छा जी मैम, ये तो बहुत अच्छा है, वरना तो मेहंदी का बहुत बहुत चार्ज करते हैं आजकल मेहंदी लगाने वाले। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे वो तो एक ही रेट है, इस रेट जिसको बोलते हैं, तो फिर वो 2100 रुपए रहते हैं और मैं उसी में आपकी अच्छी मेहंदी लगा देती हूँ।
अगर हेयर स्टाइलिंग की बात करें तो मेरे पास तो बहुत हेयर स्टाइल आती हैं और मैं बनाती हूँ तो हर कस्टमर सेटिस्फाई होकर के जाता है। एक्चुअल में हेयर स्ट्रेटनिंग भी मैं करती हूँ, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग। अच्छा, उसके लिए भी आप अगर मुझे घर पे बुलाना चाहें तो मैं घर पे एक सर्विस प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे पार्लर आना चाहें तो पार्लर में मैं आपकी हेयर स्ट्रेटनिंग कर दूंगी। जैसे कि आजकल कोरोना टाइम पीरियड भी चल रहा है, जैसे उसमें आप क्या क्या सेफ्टी अपनी रखती हैं और अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी रखती हैं उसके बारे में थोड़ा, जो भी आपको देख रहे हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन व्यूवर्स को बताइए। मैम कोरोना टाइम की बात करें तो वो तो बहुत ही वर्स्ट टाइम रहा और सभी के लिए। जब तक लॉकडाउन रहा तब तक की अगर बात करूं तो मेरे कस्टमर ने तो मुझे पर्सनली फोन करके बुलाया कि मैम प्लीज आप एक दिन के लिए आ जाइए, और जैसे जो भी 5-6 कस्टमर उन्होंने एक दिन का ही अपॉइंटमेंट ले लिया कि तुम एक दिन के लिए खोल दो और हम लोग सब लोग एक ही दिन आ जाएंगे। तो मतलब सब लोग एक साथ आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे एक दिन के लिए। तो बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते पार्लर खोला गया लॉकडाउन के टाइम। तो वो जो है उस टाइम जो है सीट मास्क हो गया, आपका सीट मास्क हो गया, फेस पे लगाने के लिए पूरा सैनिटाइजर हो गया, ग्लव्स हो गए, तो ये सारी तरह के ही प्रिकॉशंस लिए गए। और हालांकि कस्टमर भी थे वो भी प्रिकॉशंस लेकर ही आते थे, तो इस तरह की प्रिकॉशंस लेकर भी काम किया गया, लेकिन अपना काम करा गया, काम से पीछे नहीं हटा गया। और घर पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो घर पे भी आना पसंद कर रहे थे तो उनको घर पे बुलाया गया, घर पे उनको प्रिकॉशन के साथ पूरा उनको मैंने काम करके दिया, जो यहाँ नहीं आ सकते थे वो घर आए। तो इस तरह से काम उस समय भी चला, रुका नहीं, तो खराब समय था लेकिन ठीक था, जो भी था हमने तो हर तरह से सर्वाइव करना है, हमने किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आपको भी है, बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बारे में लोगों को बताया। थैंक यू मैम, और आप हमारे लिए इतना कर रही हैं तो बहुत अच्छा लगा आप आई आपसे बात करके। मैम नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कोई नई वीडियोज आ रही है ब्यूटिशियन की वो आप तक फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको क्लिक करके और इस वीडियो को देख पाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ब्यूटिशियन के साथ में। टिल देन बाय एवरीवन।